Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इमाम बज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत नकल की है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन बनी आदम के तीन रजिस्टर पेश किए जाएंगे। रजिस्टर को याद रखें, उर्दू में दीवान कहते हैं। आपने बाज़ किताबों में लफ्ज़ दीवान अगर पढ़ा हो, क्योंकि ओल्ड उर्दू है, बहुत सारे लोगों को दीवान नहीं पता कहते कैसे हैं, किसे कहते हैं, इसलिए मैं लफ्ज़ रजिस्टर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो तीन रजिस्टर पेश किए जाएंगे। रजिस्टर अगर आप वो भी नहीं समझते तो ये समझ लें कि तीन ऐसी किताबें पेश की जाएंगी जिनमें कुछ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एक दीवान होगा जिसमें अल्लाह ताला की नियामतें होंगी। तो रजिस्टर ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें चीज़ें दर्ज की जाती हैं, उसमें बतारीख दर्ज की जाती हैं, बहवाल दर्ज की जाती हैं, बकवाइफ दर्ज की जाती हैं। बहरहाल जो कोई भी कैफियत हो वो किताब होगी जिसे रजिस्टर या दीवान कह सकते हैं। तो एक तो रजिस्टर ये होगा जिसमें अल्लाह की नेमतें दर्ज हों, और एक रजिस्टर होगा उसमें नेक काम यानी अमल सालेह दर्ज होंगे, और एक रजिस्टर होगा उसमें गुनाह दर्ज होंगे। तो ये तीन रजिस्टर्स होंगे। नेमतों के रजिस्टर में सबसे छोटी नेमत से अल्लाह फरमाएगा कि अपने बदले में अमल साले ले लो, तो वो तमाम अमल साले यानी तमाम नेक कामों को घेर लेगी और कहेगी, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैंने अभी पूरा हक नहीं लिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह की दी हुई सबसे छोटी नेमत जो हमारी जिंदगियों में है, उस छोटी नेमत को भी अगर अल्लाह कहे कि मैं तू इस अपनी इस नेमत के जो इस बंदे को मैंने दी थी ले ले अपना मुआवजा, तो उसके सारे नेक आमाल ले लेगी और फिर भी कहेगी कि बदला पूरा नहीं हुआ, बाकी गुनाह रह जाएंगे और तमाम आमाल सालेहा खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम अपने नेक कामों पे बड़े अकड़ते फिरते हैं, बड़े अपने तई कोई नेक साले समझते हैं, किसी ने जो एक आध महीने कहीं चिल्ला काट लिया, किसी ने किसी बुजुर्ग की खिदमत में कोई वक्त गुजार लिया, कोई चंद दिन कहीं रह आया, उसने अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस कर ली, पंज वक्ता नमाजी हो गए हो, सोमो सलात के पाबंद हो गए हो, नेक काम बड़े करने लग गए हो, तो अपने तई कोई चीता ना समझने लग जाना। कहीं बुखारी का दर्स देते हो, कहीं तफसीर पढ़ाते हो, कहीं तुम्हें 40 अहदीस मुबारक याद हो गई हैं, तो ये ना ख्याल करते रहना कि तुम कोई शय हो गए हो। कभी किसी की मदद कर बैठे हो या मदद करते रहते हो, लोगों के साथ बड़े अच्छे हो, तो ये ना समझ लेना कि मैं कोई शय हो गया हूँ। याद रखो, ये रिवायत क्यों बता रहा हूँ? ताकि मैं और आप आजिजी और इनकिसारी इख्तियार करें। ये बड़ी लाजमी चीज है भाई। आजकल के माहौल में जहाँ गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम हैं, तो नेकी थोड़ी करके भी इंसान समझने लगता है, ओ यार मैं ते बड़ा नेक हो गया है। नहीं भाई, नेक नहीं हुए हम, हमें आजिजी और इनकिसारी ही इख्तियार किए रखना है कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, पर बारी ताला माफी दे दे, बंदा तो तेरा हूँ, बंदा तेरा हूँ, मुझे माफ कर दे बारी ताला। ये अपना थॉट रखो। तो क्या रिवायत में आता है? गुनाह बाकी रह जाएंगे, तमाम आमाले सालेहा खत्म हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर रहम करने का इरादा फरमाएगा तो फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, आहा, सोचो ना ये अल्फाज जब क़यामत के दिन कान में पड़ेंगे तो क्या फरहत होगी। सारी जिंदगी गुजार दी हैं उस खालिक को, उस मालिक को अल्लाह रब इलाह कहते कहते, उसके कुरान में पढ़ते तो थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, लेकिन उस दिन रब कायनात खुद पुकारेगा और कहेगा कि ऐ मेरे बंदे। ये बात ही काफी है हमारे लिए, क्या ख्याल है? ये कि वो रब जिसकी इबादत में सारी सारी जिंदगी गुजार दी, वो खुद कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे,
अल्लाहु अकबर, इस निस्बत के लिए ही तो तड़पते रहे सारी उम्र कि कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तो क्या फरमाएगा रब ताला, ए मेरे बंदे मैंने तेरी नेकियों में कई गुना इजाफा कर दिया। अल्लाहु अकबर, जब वो किसी को अपना बंदा कह ले तो शान रुबूबियत शान उलूहियत अपनी तमाम सिफात के साथ अपने तमाम असमा के साथ रहमो करम की बारिश फरमाता है, और ये उसकी मिसाल है कि तेरी नेकियों में इजाफा कर दिया, तू मेरा बंदा है, हैं? तू मेरा बंदा है, और सुन तेरी बुराइयों को माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर, और अपनी नेमतें तुझे अता कर दी। ये तो तुझे हिला दिया ना, एक झटका दे दिया कि देख ले अपने तई कोई समझने ना लग जाना। अल्लाहु अकबर, इसीलिए तो हम मजलिसों में जब बैठते हैं ना सूफिया की, औलिया अल्लाह की, पीर कामिल की, तो वो ये सारे मैल कुचैल साफ करने में बड़ा मदद दे, वरना हमने तो नफ्स अम्मारा के दरख्त लगा के रखे हैं, काटने भी नहीं देते, बढ़ते रहते, उन्हें पानी देते रहते हैं। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये है रब की करम नवाजियाँ, समझो तो सही ना, जानो तो सही। अच्छा, इस रिवायत को हिलियतुल औलिया की जिल्द नंबर 5 में भी रिवायत किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों, लोग कहते हैं कि साहब 2 मिनट की बात थी, आपने 10 मिनट लगा दिए। मेरा भाई, हम जब रब ताला की बात करते हैं, उसके हबीब की बात करते हैं, तो हम तो फिर ऐसे ही बात करते हैं, हमारा फिर ऐसी ही अंदाज होता है, फिर हम ये परवाह नहीं करते कि वक्त कितना है, हम तो इसमें ही खुश हैं कि रब की याद में, रब की बात में, उसके हबीब की बात में वक्त गुजरता है। ये वक्त कहीं गुनाहों में गुजर जाता तो वबाल बन जाता, अब उसकी किबरियाई में गुजर रहा है, उसके हबीब के सलात व सलाम में गुजर रहा है। ये तो रहमत है, उसकी नेमतों के इजहार में गुजर रहा है, उसको, उससे, उसके बंदों को, खुद को और उसके बंदों को उस रब ताला से जोड़ने में वक्त गुजर रहा है। अरे इससे आला वक्त क्या होगा? एक लम्हे को सोचो, ये एहसास जगाने की बात है, इसलिए एक एक लफ्ज खोल खोल कर आपसे क्यों बयान कर रहा हूँ। हम ये पढ़ते पढ़ाते तो रहते हैं, आपने भी शायद पढ़ा पढ़ाया हो, लेकिन कभी इस तरह गौर किया है जैसे आज गौर कर रहे हो? बात है गौर फिक्र तदब्बर की। छोटी बातें करके मैं भी निकल जाऊँ, टाइम पूरा हो जाएगा, आप तक बात भी थोड़े कलील वक्त में पहुंच जाएगी। आप बड़े मसरूफ लोग हो, इतने मसरूफ लोग हो कि दीन की छोटी सी बात सुनना भी बार समझ लगता है कि लंबी क्यों कर दी। लेकिन अगर यहाँ एक एक मिनट पर पैसे मिल रहे होते तो बैठे रहते और कहते कि और बोलो, लेकिन ये ख्याल नहीं करते कि यहाँ रब ताला 10 गुना दे रहा है, लेकिन हमारी नजर तो है उन नोटों पर जिन पर जेफरसन बना हुआ है, तो कहीं गांधी डंडा लेके खड़ा हुआ है, कहीं मोहम्मद अली जिना की तस्वीर है, हम वहां से निकले ही नहीं। हमें पैसे टकों दिनारों दिरहमों डॉलरों से फुर्सती नहीं, पौंडों से फुर्सती नहीं, हम तो बस वहीं अटक के रह गए हैं। मकसद ये है मेरे भाइयों और मेरी बहनों के, रब ताला से जुड़ जाओ, जुड़ जाओ उससे, अब भी वक्त है बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।